स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है, 4TV न्यूज में मैं हूँ खुर्शीद आलम। बीजापुर की एक जानी मानी बैंक डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो 1963 में इसका इफ्तिताह हुआ, और कई लोग आजकल जो है कई लोग परेशान हैं, जो कस्टमर हैं FD के हैं, और इसके अलावा जिनके पैसे वहाँ पर लगे हुए हैं। आजकल कई तरह के अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। आज हम सीधे आपसे एक क्लेरिफिकेशन कराएंगे कि हकीकत क्या है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जनाब मोहसिन गोलेवाले साहब। सर, क्या हकीकत क्या है? मैं डेक्कन बैंक चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले बी न्यूज नेशन और 4TV न्यूज के जरिए आप लोगों को ये कुछ बात बताने के लिए मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। डेक्कन बैंक के मुतल्लिक 2-3 रोज से जो अफवाहें फैल रही हैं, उस अफवाहों पर आप बराए मेहरबानी कुछ कान न धरें। बैंक अपनी जगह सेफ है, बैंक का काम बराबर चल कर है। RBI वाले कुछ पाबंदियां हमारे बैंक को लगाए हैं। उनका कहना है कि जो 2 साल पहले आप जानते हैं कुछ बैंक में अफरा तफरा एक मैनेजर के हाथों हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए वो मैनेजिंग कमेटी को चंद हिदायतें दिए थे। उस हिदायत पर हम आज भी अमल कर रहे हैं, उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। और जो पैसों की अफरा तफरी हुई थी उसके अंदर आधे से करीब हम उसकी वसूली भी कर चुके हैं। उस जो बैंक का मैनेजर था उसकी जायदाद को हम जब्त किए हैं, फिर कोर्ट से उसके लिए ऑर्डर्स भी लिए हैं। अब उसके ऊपर सिर्फ अमल करना बाकी है। उस अमल करने की जल्दी दिखाने के लिए या उसमें अमल करने में ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए बोर्ड पर ये RBI वालों की एक पाबंदी आयद की गई है, जिसके तहत बैंक में जो जमा लोगों का डिपॉजिट है, उनकी जो जमा पूंजी है, उसको वक्ती तौर पर चंद महीनों के लिए रोक दिया गया है। इसका मतलब है बैंक का पैसा आप जो रखे थे वो कुछ गलत हाथों में जाकर वो गायब हो गया है या पैसा वहाँ पर नहीं है। मैं पूरी तरह से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपका पैसा वहाँ पर सेफ है। आप कभी भी जाकर बैंक में अपना स्टेटमेंट ले सकते हैं। आप पाबंदी लगी है, उस पाबंदी को हटाने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, इसको कानून सलाहकार से मशवरा भी ले रहे हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसको जल्द से जल्द पाबंदी को हटाने के बाद में लोगों को अपना अपना पैसा, चाहे वो FD की शक्ल में हो, PIGMI की शक्ल में हो, और किसी जरिए से बैंक में रखा हुआ पैसा लोगों को ज़रूर वापस मिलेगा, डिपॉजिटर्स को ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप गलत फहमी में मत मुबतला रहना कि पैसा हमारा डूब गया है। बैंक का पैसा कभी भी आपका डूबा नहीं है, आज भी पैसा मौजूद है, हमारा बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। और बैंक की जानकार लोगों को आप बतला सकते हैं कि इसमें क्या बात है। आप जब तक हम लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे, कोऑपरेशन नहीं करेंगे, आप भी परेशान रहेंगे और आपकी परेशानी देखकर हम भी परेशान होंगे। इसलिए आप हमारे से ताउन करते हुए बगैर किसी घबराहट के या परेशानी के अपना काम बैंक के ज़रिए चालू रखिए। हम जल्द से जल्द इसको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद है। आप अफवाहों पर कान न धरें। मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ, आपका पैसा बैंक में पूरी तरह महफूज है। आप कभी भी आकर अपना पैसा चेक कर ले सकते हैं। ये कंप्यूटर में जो आप पैसा जमा किए हैं उसकी एक लिस्ट निकलती है मशीन के ज़रिए, कंप्यूटर मशीन के ज़रिए। वो क्या हम हाथ से कुछ गलत लिख कर तो नहीं देते आपको? जो पहले जो आप जब जमा किए थे रकम, जब उसमें फीड भी जो रकम है वो आज भी मौजूद है। आप कभी भी आकर कंप्यूटर की कॉपी ले सकते हैं और उसमें अपने पैसों की जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसमें कोई कमी बेशी हुई है या पैसा कुछ गायब है, ये कभी भी देख सकते हैं। बराए मेहरबानी आप आइए बैंक को, आपके क्या भी शुभात रहे तो हमसे रुजू हों और अपना इत्मीनान कर लें। कितने महीने तक पाबंदी? ये 6 महीने तक पाबंदी है। 6 महीने का, उसके अंदर भी वो पाबंदी खत्म हो सकती है, उनके ऑर्डर में है वो सब पेपर वगैरह में आया, वो पढ़ सकते हैं आप। वो 6 महीने लगाए हैं, उसके
अंदर भी वो पाबंदी को हटा सकते हैं, और वो हटाए या ना हटाए हम तो कोशिश कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द हटा कर हमारे जो भी डिपॉजिटर्स हैं कस्टमर्स हैं उनको एक नमूने की राहत मिलना। क्या पाबंदी है सर? पाबंदी जो भी पैसा जमा है वो पैसा ऐसे ग्राहकों को अब चंद महीनों के लिए वापस नहीं करना आरबीआई वालों का, वो उनकी एक सोच है कि पैसा अगर यहाँ पर सो लोग लेकर गए तो बैंक का है सो जो व्यवहार है वो जो जो अच्छी तरह से चलना वो नहीं चलेगा, एक वो ऐसी एक सोच रखते हैं। लेकिन हमारे पास लोगों का जितना भी पैसा है पूरी तरह महफूज है, हम जो कर्ज दिए हैं उसको भी उसकी वसूली भी इत्मीनान बख्श है। ना पैसा ग्राहक ले सकता है ना भर सकता है? नहीं भर सकता, नहीं कर्ज लिया हुआ भर सकता, कर्ज जो लिया है वो इंस्टॉलमेंट भर सकता। यानी अपनी जमा पूंजी जो है वापस नहीं, छह महीने तक नहीं ले सकते। लेकिन जमा पूंजी नहीं ले सकते इसका मतलब जमा पूंजी वहाँ आपकी नहीं है, वहाँ से चलेगी ऐसी नहीं है बात। जमा पूंजी वहीं पर है, लेकिन जमा पूंजी लेने के लिए वो एक चंद महीने शर्त लगाए हैं, वो शर्त हटने के बाद में आप कभी भी आकर अपना पैसा ले सकते। सर ये तो सीधे सीधे जो है ग्राहक पर ये जो है जुल्म हुआ। हाँ। तो अब एक शादी हो सकती है या बीमार हो सकते हैं तो अपनी जमा पूंजी इमरजेंसी वो क्या करें? जमा पूंजी ऐसे वक्त में आप आकर हमारे को, आपके अगर शादी है तो आपकी शादी के कुछ कार्ड वगैरह भी रहते हैं, बीमार है तो डॉक्टर की कुछ सर्टिफिकेट रहती है, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो उनको बताने के लिए आरबीआई वालों को बताने के लिए आप हमारे साथ हवाले करेंगे तो हम उनको लिखकर उनसे अप्रूवल लेंगे। जितना वो अप्रूवल में पैसा बताएंगे हम आपको आपके डिपॉजिट में पूरा वापस करेंगे। तो ये मुमकिन है? मुमकिन है, मुमकिन। तो कितने परसेंट वापस मिलने की इम्कान है? वो उसका काम अप्रूवल करने का काम, पैसों की जो भी तादाद बताना कितना पैसा वापस देना वो उनका काम है, और उतना देने के बाद में बचा सौ पैसा और हमारे बैंक पर रहेगा आपका। तो अब पिकनी का सवाल जो है, अब जो ये छोटे मोटे व्यापारी जो है पिकनी भरे रहते हैं आपके पास, एक साल होता है, एक साल के बाद आप इंटरेस्ट डालकर पिकनी उनको रिटर्न करते हैं। फर्ज करो कि आज उनका एक साल हुआ है तो अभी आप छह महीने तक आपके बैंक पर पाबंदी है तो छह महीने के बाद वो इंटरेस्ट, छह महीने का इंटरेस्ट डाल देंगे या एफडी है? जरूर एफडी या पिकनी? जरूर पिकनी, आज उनका पिकनी एक साल पूरा हो रहा है तो आगे हम एक छह महीने रखेंगे, पांच महीने रखेंगे, जितने महीने रखेंगे उतना इंटरेस्ट उनको देकर हम उनके पैसे लौटाएंगे। और एफडी वालों का भी ऐसा ही है, मैं जितने भी लोग मुझे मिलने आ रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, समझो एक आप मिसाल के तौर पर आप एक दो महीने के बाद में आपकी मैच्योरिटी हो रही, एफडी का टाइम खत्म हो रहा तो अपनी सर्टिफिकेट लेकर आओ बैंक को, वो जो आपका सूद जमा है असल के साथ उसको सूद को असल में मिलाकर और एक नई सर्टिफिकेट बनाकर आपको देंगे आगे के सालों के लिए, आगे के दिनों के लिए। तो अब ये इस पर ये जो पाबंदी अब लगी हुई है तो इस बीच वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट लेकर आना और आगे के लिए वो जो सूद है जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को जमा करके और उसको एक नई सर्टिफिकेट बैंक से बनवा कर लेकर जाना। अगर सर्टिफिकेट नहीं लाया ऐसी सूरत में तो अब बाज कस्टमर दूर होते हैं तो उन्हें मालूम नहीं रहता है तो आज उनकी मैच्योरिटी है, अब छह महीने के बाद जब आएंगे तो आप आज की डेट तक के देंगे या छह महीने तक? छह महीने की डेट तक देंगे, पूरा देंगे। जो सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी जब लाने को लाएंगे जब छह महीने के बाद में जब वो छह महीने का इंटरेस्ट मिला कर देंगे तो पिकनी वालों का भी यही हाल। यही हाल, अब पिकनी भी कलेक्ट नहीं हो रहा है? नहीं होता, होता पिकनी कलेक्शन होता, अब वो बात में ये भी पिकनी का भी है चैप्टर है, उसको पूरा टोटली हम उसको निकाल करने की सोच रहे हैं। उनके वो जो पिकनी में रिफंड कर सकते हैं आप इमरजेंसी? वही ये जो कोई बताया जरूरत के चीजें के जो भी हवाले हैं जो भी उसके रेफरेंस हैं या कुछ कागज पत्र डॉक्यूमेंट्स है, शादी है, बीमारी है, ये अगर कोई बताएंगे तो हम उनको भेज कर ऐसे फलाने मेंबर की मजबूरी है आप उनको अप्रूवल करो उनका पैसा हम देना चाहते हैं। आरबीआई से ये पाबंदी छह महीने तक की है या आगे भी बढ़ सकती है? नहीं छह महीने तक तो आप लिख कर दिए उन्हों, हम हमारे को भरोसा है छह महीने या छह महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी पाबंदी। तो आपके हजारों लाखों कस्टमर्स जो हैं बैंक के उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम? मैं कस्टमर को इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, आप बैंक के मुतल्लिक गलत अफवाहों पर ध्यान मत दें, बैंक में आपका जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा महफूज है, आप कभी भी आकर अपनी जमा पूंजी का हिसाब किताब देख सकते हैं,
आपको अगर नहीं समझता तो समझने वाले को लाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप राइटिंग में हमारे पास उसके जो आपके पैसे जमा है उसका एक कॉपी ले सकते हैं आप। अगर पासबुक है तो पासबुक एंट्री करा सकते हैं, उसमें आपके पैसों का पूरा दखल उसमें रहेगा, अमल होता उसमें लिखा हुआ रहता, एंट्री रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रशीद व्यापारी दक्कन बैंक का डायरेक्टर हूँ। अब तक जो है हमारे चेयरमैन साहब जो है आप तमाम लोगों से मुखातिब होकर पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं आपके पर ये, और मैं भी आएगा डायरेक्टर आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आपका जो भी पैसा है या डिपॉजिट है कितनी है जो भी है वो हमारे बैंक में सेफ है। और RBI वाले भी जो है अपने प्रेस में और हर जगह भी जो है उन्होंने खुद भी जो है आपको तमाम हमारे ग्राहकों को और कंज्यूमरों को जो है आश्वासन दिए हैं कि आपका पैसा जो है सेफ है और बैंक जो है एज ए बैंक कंटिन्यू है, इसमें कोई भी इंश्योरेंस भी वो किए हुए हैं, इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह के तरफ से जो है ये हमारे जो प्रॉब्लम जो है हमारे ऊपर आए हुए हैं आप तमाम लोगों पे हम पे वो जल्द से जल्द हम जो है हमारा जो बोर्ड है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर भी जो है हम उसको सॉल्व करके आपको जो भी सहूलतें पहुँचाना है हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हम तमाम लोगों पर हमारे बोर्ड पर बैंक पर भरोसा रखो और आपका पैसा जो है सेफ है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हारून डिक्की साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, सर आप ही बताइए। मैं पूरे जो भी कस्टमर्स हैं हमारे पास डिपॉजिटर्स हैं उनकी एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप पैनिक ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी की बातों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। आप हमारे पास आइए, हम आपको आपका स्टेटमेंट निकाल कर उसकी सिग्नेचर सील सिग्नेचर लिखकर आपको ऑथराइज लिख के देंगे कि आप इतना बैलेंस है, आपके अकाउंट से 1 रुपये भी कम नहीं हुआ है। हाँ, ये पाबंदी लगी है हमारे पर थोड़ा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने के लिए, हमको 6 महीने तक दिए हैं, 1000 रुपीज़ का हमारे को एक कैप लगाया गया है और RBI खुद अपने प्रेस रिलीज में दिया है 99.58% बैंक का डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है। बैंक का ना लाइसेंस कैंसिल हुआ है, ना बैंक बंद होने वाली है, बैंक अपने जो नॉर्मल काम है वो काम करती रहेगी और जो लोन भरना चाह रहे हैं उनका लोन अमाउंट हम भर लेंगे। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोशिश कर रहे हैं इससे हम जल्दी से जल्दी 1000 रुपए का क्या बताया आपने, 1000 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं जी। पूरी पाबंदी नहीं है जी। एक कस्टमर जो है अपने अकाउंट से 1000 रुपए फिलहाल निकाल सकते हैं, 1000 रुपए निकाल सकते हैं, 1000 रुपए निकाल सकते हैं। जब से ये पाबंदी आयज हुई है 2-3 दिन पहले से जी, तब से कस्टमर और ज्यादा बैंक को आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो नहीं है, जो हम दूसरे बैंकों का जो देखेंगे वैसे तो नहीं आ रहे हैं, बैंक कस्टमर्स आ रहे हैं, अपने हालात को देखकर कुछ कर जा रहे हैं, कन्विंस होके जा रहे हैं, उनको भरोसा है और मालूम है। थोड़े लोग हैं हर जगह पैनिक रहते ही है, मगर उतना पैनिक नहीं है। क्या आए दिन अक्सर ऐसे हालात देखने को मिलते हैं तो लोग पैनिक तो होंगे? पैनिक हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस होके जा रहे हैं, उनको स्टेटमेंट लिख के सिग्नेचर करके भी दे रहे हैं। शुक्रिया। तो आप थे जनाब मोहसिन गोले वाले जो डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव के चेयरमैन की हैसियत से अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जितने भी ग्राहक उनके हैं, कस्टमर्स हैं, चाहे वो FD रखे हो या पिकमी जमा किए हो, चाहे उनकी जमा पूंजी हो उनके पास जमा हो, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर मत जाइए। अगर इमरजेंसी आपको है तो वो जो रूल्स बताए हैं कि इमरजेंसी आपको जो हॉस्पिटल को खर्च करना है तो डॉक्यूमेंट्स लाकर बताकर उसमें जितना परसेंटेज RBI अप्रूव करेगी वो देंगे और आपका बाकी पैसा जो है 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर जब तक ये पाबंदी RBI की तरफ से है हटती नहीं है तब तक आपका पैसा वहाँ पर महफूज है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।